नमस्कार। वीडियोस के माध्यम से मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने क्या एनालिसिस किया, मैंने इतने सालों के कैरियर में क्या देखा, क्या जाना, और छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको वो बातें समझ में आ सके, आपको एक फैक्ट, एक तथ्य मिल सके। हाँ, इन अनुभवों में कोई चटपटी बातें हो सकता है ना हो, जैसे इस प्रकार का दोष है, इसको नींबू को वहां गाड़ो तो ये निकल आएगा, इस प्रकार की बातें तो नहीं होगी। लेकिन यदि सचमुच में आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या ज्योतिष नहीं भी सीखना चाहते हैं, और अंधविश्वास से दूर रहना चाहते हैं, और फंसना नहीं चाहते लूटपाट में, ज्योतिष धर्म के नाम पर लूटपाट में, तो मुझे लगता है अनुभव, मेरे द्वारा दिए गए अनुभव आपको जरूर से कहीं ना कहीं काम आएंगे। आज इसी प्रकार का एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कई सारे लोग, कई सारे कपल्स, पति पत्नी, कई सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए ये मुझसे शिकायत करते हैं कि सर, कुंडली मिलान करवाया था, और कुंडली मिलान में 30+ गुण, 30 मान लें, 31 मान लें, 32, 33 मान लें, 34 मान लें, 30+ जो है वो गुण आए हैं, और हमारे आसपास के जो लोकल एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने कहा था कि भाई ये शादी की जा सकती है, हमने शादी करवाई भी हमारे बच्चों की, या हमारे भाई बहनों की, या हमने खुद ने शादी की, और उसके बाद में जब देखा तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद तलाक हो गया। तो ये क्या बात हुई, जब इतने अच्छे गुण मिल रहे हैं उसके बाद भी तलाक हो गया? चलिए, तलाक नहीं भी हुआ तो मतभेद बहुत ज्यादा बन रहे हैं, दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है, दोनों के मन अलग अलग है, दोनों की इच्छाएं, दोनों के विचार अलग अलग है, तो ये ऐसा कैसे होता है जब इतने गुण मिल रहे हैं तो भी ये चीज हो रही है? तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से भी, और जब मेरे पास कंसल्टेशन लेने आप सभी आते हैं, तो कंसल्टेशन के माध्यम से भी ये बात कहता हूं कि देखिए, जो गुण है ना, जैसे कोई कहते हैं ना, 20 गुण मिले, 25 गुण मिले, 32 गुण मिले, 36 गुण मिले, तो ये जो गुण है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा इस बात को लेकर के। कई बार 23 गुण, 23 गुण वाले को भी मैं कह देता हूं कि भाई आप शादी कर लो, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन है। कई बार 33 गुण वाले, 33 गुण वाले को भी मैं कह देता हूं आप शादी मत करो, डाइवोर्स हो जाएगा। कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, 33 वाले को मैं हाँ कह देता हूँ, 23 वाले को, 23 वाले को मना कर देता हूँ। तो जो ये आंकड़े हैं, जो ये नंबर्स हैं, इसको नहीं देखना चाहिए, पहली बात। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह होती है मतभेद की, या अलगाव की, या डाइवोर्स की। देखिए, मुख्यतः दो वजहें बन के सामने आती है मतभेद, ईगो प्रॉब्लम, अलगाव, डाइवोर्स को लेकर के। चाहे वो ईगो प्रॉब्लम हो, चाहे वो इच्छाओं का अलग अलग होना हो, चाहे वो आपके मन में उठ रही बातें जो कि आपके प्रेम को कम कर रही हो। भाई कई बार ये भी मैंने देखा है, कई सारे पति पत्नी मेरे पास आते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, या इंडिविजुअल भी कभी कभी कंसल्टेशन लेते हैं, तो मुझे कहते हैं सर, हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोगों में वो अटैचमेंट नहीं है, वो जुड़ाव नहीं है, मजा नहीं आ रहा हमें एक दूसरे के साथ। तो ये भी है कि भाई वो अच्छा इंसान मानते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन अच्छा इंसान जरूरी नहीं कि उनसे प्रेम भी हो जाए और उनसे अंडरस्टैंडिंग भी सही से बैठ जाए। तो ये चीजें क्यों आती, तो इसके मुख्यतः दो कारण मैंने देखे हैं अपने अनुभव से, और वो दो कारणों में पहला कारण है गृह मैत्री। गृह मैत्री का मतलब क्या होता है? जो लड़का है उसकी चंद्र राशि और जो लड़की है उसकी चंद्र राशि, दोनों की चंद्र राशियों में मित्रता होना। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं, मान के चलिए कि कोई लड़का है, उसकी चंद्र राशि धनु। धनु का मतलब क्या? सजिटेरियस। सजिटेरियस है ना, ये राशि है गुरु की, बृहस्पति की। और जो लड़की है उसकी चंद्र राशि है तुला। तुला मतलब लिब्रा। लिब्रा की जो मालिक है वो है शुक्र। तो एक गुरु की चंद्र राशि है, एक शुक्र की चंद्र राशि है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। हाँ, गुरु का अपना एक ईगो है, अपना एक थिंकिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है। भाई गुरु का एक ईगो होता है ना, तो उनका, गुरु का, बृहस्पति का अपना एक ईगो है। शुक्र, शुक्र दानवों के गुरु है, तो वो भी गुरु है।
तो उनका अपना एक ईगो है, उनका अपना एक थिंकिंग सिस्टम है। तो जब ये दो अलग अलग ईगो, दो अलग अलग थिंकिंग सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ऑब्वियसली क्लैशेस होते हैं, क्योंकि ये कुछ सोचता है, ये कुछ सोचता है। मैं ये नहीं बोल रहा ये गुरु बहुत अच्छे, शुक्र बहुत खराब, शुक्र बहुत अच्छे, गुरु बहुत खराब। बात खराब या अच्छी की नहीं है, बात है दोनों के थिंकिंग सिस्टम की, दोनों के ईगो सिस्टम की, कि वो आते हैं, वो क्लैशेस होते हैं और उसके बाद जाकर के जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहीं पर यदि मान के चलते हैं कि भाई जैसे कि ठीक है, इनकी राशि कोई लड़की है, उनकी राशि तुला है, लिब्रा है, जिनके स्वामी जो है वो कौन है, शुक्र देवता। यहीं पर आ गए लड़का, लड़के की राशि है मकर, मकर यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मतलब शनि की राशि है। अब शनि और शुक्र में मित्रता है एक दूसरे के साथ, चूंकि मित्रता है तो दोनों के थिंकिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे, दोनों के चाहते एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे डेली लाइफ की, और उसके बाद में जो है दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे तो मजा आएगा, प्रेम बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चाहते जो है दोनों की एक रहेगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। आप समझे मेरी बात को, देखिए किसी एक को दोष देना गलत है, लड़के को दोष दे दो, लड़की को दोष दे दो, ये गलत है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दे करके इस बात को समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पति है, उसको अच्छी लगती है आलू की सब्जी, उसकी वाइफ है उसे अच्छी लगती है भिंडी की सब्जी। अभी जब आलू बनता है तो जो है उसकी वाइफ गुस्सा करती है, जब भिंडी बनता है तो उसका हस्बैंड गुस्सा करता है, बताओ इन दोनों में गलत कौन? तो गलत कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों के थिंकिंग सिस्टम या दोनों की चाहते अलग अलग है। यदि आलू वाला आलू से शादी करे, भिंडी वाला भिंडी से शादी करे तो खुश रहेंगे ना? देखिए बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ, उसको बहुत टेक्निकली मत लें, लेकिन आप समझने का प्रयास करें कि ये ऐसी चीजें होती हैं डेली रोजमर्रा, छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके प्रेम, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका साथ रहने की इच्छा, आपके ईगो, आपके आपका मन, आपका लव, आपका अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ता है। तो ये जो है ना ग्रह मैत्री से इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, दूसरा प्रॉब्लम जो आता है मंगल नॉन मंगल का, लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, या लड़की मंगलिक है, लड़का नॉन मंगलिक है, जो भी है, दोनों में से कोई एक मंगलिक या नॉन मंगलिक होता है, तो मैंने ये 85% केसेस में देखा है कि वैवाहिक जीवन खराब होता है। देखिए मैं एक बात ये यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जरूरी नहीं कि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी नहीं हो सकती और वो दोनों अच्छा जीवन नहीं जी सकते, लेकिन बात ये है कि मान के चलते हैं कि 100 कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं, 100 कपल्स हैं, और वो 100 के 100 में एक मंगलिक एक नॉन मंगलिक है, मतलब पुरुष मंगलिक है महिला नॉन मंगलिक, या महिला मंगलिक है पुरुष नॉन मंगलिक है, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे कैसे 100 कपल्स हैं, ऐसे 100 कपल्स में शादी पता है कितने की हो पाएगी? केवल 5 कपल्स की शादी हो पाएगी। आई मीन टू से 5 कपल ऐसे होंगे जिनका कुंडली मिलान सही से हो पाएगा मंगलिक नॉन मंगलिक होने के बाद, बाकी के जो 95 लोग होंगे वो उनका मिलान अच्छे से नहीं होगा, और उन 95 में से भी 85% का वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहेगा, और उन 85% का में से भी 40% का डाइवोर्स हो जाएगा। तो मतलब कि चांसेस केवल 5% है मंगलिक नॉन मंगलिक के शादी कर लेने के और उनके अच्छे प्रेम के साथ वैवाहिक जीवन जी लेने के। तो असंभव नहीं है मंगलिक नॉन मंगलिक का शादी करना, लेकिन चांसेस कम है। तो इस वजह से अधिकतर तो ये देखा जाना चाहिए कि मंगलिक मंगलिक की शादी हो, नॉन मंगलिक नॉन मंगलिक की शादी हो। हाँ, कई बार 5% केसेस में हो सकता है आप लोग आ जाए तो उसमें भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए। छोटे मोटे कैंसिलेशंस देख ली और जाओ शादी कर ली, कई ऐसी शादियां मैंने बर्बाद होती हुई देखी है। कई लोग मेरे पास आते हैं रोते हुए, सर ये तो कैंसिलेशन जो है हमें बताया गया था, शनि यहाँ पर बैठे हैं 7वें भाव में, ये यहाँ पर बैठे हैं, इसका यहाँ पर प्रभाव है, तो जो है वो कैंसिल हो गया मंगल, तो इस वजह से मेरी शादी करवा दी और अब जो है डाइवोर्स की नौबत आ गई। तो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसको छोड़ भी दीजिए, 5% को छोड़ दिया जाए, तो जो बड़ी प्रोबेबिलिटी है मतलब 95% जो है कि मंगलिक मंगलिक शादी करें, नॉन मंगलिक शादी करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो दो वजह है, ग्रह मैत्री और मंगलिक नॉन मंगलिक का शादी करना, ये जो है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, ये दो प्रॉब्लम्स ईगो को जनरेट करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जनरेट करती है, चाहतों के अलगाव को जनरेट करती है, मजा ना आने को जनरेट करती है, एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट ना होने को जनरेट करती है, और दोनों की दूरियां बढ़ाने का काम करती है, चाहे वो मानसिक दूरी हो चाहे शारीरिक दूरी हो।
ऑब्वियसली 100 बात की एक बात कि जब भी शादी हो कुंडली मिलान करके शादी हो। आप लोगों की शादी हो चुकी है यदि, तो अपने बच्चों के, अपने भाई बहनों के, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के शादी जो है वो कुंडली मिलान करके करें। और यदि आप लोग की शादी कुंडली मिलान करके हुई तो आप जान ही रहे होंगे कितनी अच्छी शादी आपकी चल रही है। अब फिर ये बात मत कह देना, कई लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं कहता हूँ ना भैया आपका कुंडली मिलान नहीं हुआ, तो मुझे कहता है अरे सर 33 गुण मिले हैं, अरे सर 34 गुण मिले हैं। तो ये आंकड़ों पर मत जाइएगा, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं जिसे देखना जरूरी होता है। ये एक बहुत बेसिक तौर पर, ऑब्वियसली देखिए 5-10 मिनट के वीडियो में पूरी तरह से तो एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन जो मेन मेन मुद्दे होते हैं, जो मेन मेन बातें होती हैं, वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ, ताकि आप अपने लेवल पर, देखिए आप यदि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो आप अपने लेवल पर कोई दिन भर तो स्टडी करने वाले हैं नहीं, कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो बनेंगे नहीं, एक शादी करना है जीवन में उसके लिए एस्ट्रोलॉजर थोड़ा ना बन जाएंगे आप। तो मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो बेसिक बेसिक चीज है वो आपको समझ में आए, ताकि आप लूटपाट से भी बच जाए और ताकि आप खुद भी एनालिसिस करके देख पाए कि भाई बेसिक लेवल पर क्या सही है क्या मेरे साथ गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के सुनने से विदा चाहता हूँ, नमस्कार।